जीवन में हम जो सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। हमारी कोई सीमा नहीं होती है। हम स्वयं बाहर की सूचनाएं, अपने आसपास के वातावरण और समाज को देखकर हम में से अधिकांश लोग अपने को सीमित बना लेते हैं। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपके लेजर फोकस की, आपका ध्यान किधर है। आप अपने को स्पष्ट कर लो अच्छी प्रकार कि मुझे तो बस यही चाहिए। आप देखेंगे कि अस्तित्व आपके आसपास वैसी व्यवस्थाएं जुटानी शुरू कर देगा। फोकस अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है। आप जहां पर फोकस करते हैं वह चीज बड़ी होने लगती है और तुम तक उसे आने के लिए उसमें हरकत पैदा हो जाती है। हम जो सपना देखते हैं अक्सर उस सपने को पूरा होने में जो एक दिक्कत आती है वह ये है कि मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि यह काम मैं कर सकता हूं या नहीं, जबकि होना यह चाहिए कि मैं इस कार्य को कैसे पूरा कर सकता हूं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण इस बात पर रखना होगा कि हम इस कार्य को कैसे पूरा हम कर सकते हैं। हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। एक तो जीवन में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी पगडंडी बनानी होगी। जैसे छत पर जाने के लिए हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। जब हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे अंदर से जीवन ऊर्जाएं प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और उस लक्ष्य के लिए एक्शन लेने होंगे। अक्सर हमारा लॉजिकल तार्किक मस्तिष्क हमें समझाता है कि यह बड़ा लक्ष्य, इसके लिए तुम्हें ये चाहिए, वह चाहिए, ये व्यवस्था कहाँ से होगी। उसके सुझाव को आप ले सकते हैं, उस पर मनन और चिंतन भी करें, उससे राय भी लेते रहें, लेकिन यह अपने आप से जरूर कहें और अपने में विश्वास करें कि जो मैं सोच सकता हूं, देख सकता हूं, विजुलाइज कर सकता हूं, उसे हकीकत की दुनिया में ला भी सकता हूं। दुनिया में हम जो भी कुछ देख रहे हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी के दिमाग में अवश्य आया होगा, तभी वह वर्तमान समय में हमारे सामने है। जब हम कहीं जरूरी जगह जा रहे होते हैं तो यदि सड़क खराब है, जाम है, यदि कोई अड़चन है, तो हम तुरंत यह सोचते हैं कि हमें जिस स्थान पर जाना है उसके लिए दूसरा और कौन सा रास्ता हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने बड़े लक्ष्य के लिए यह सोचना है कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सोचते ही हमारा शक्तिशाली दिमाग रास्ते खोजने शुरू कर देता है। हम लगातार लगे रहें उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी पगडंडियां बनानी शुरू करें। जैसे अगर हम रात में कहीं दूर जा रहे हैं अपनी कार से, तो उसकी हेडलाइट 100 फीट तक जाती है, उसके बाद फिर वह 100 फीट और आगे जाती है। इस तरह हम धीरे धीरे 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।